चलो शुरू करो लाइव है स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं चलिए तो सभी लोग अपना लाइव बनेंगे जी ऑलरेडी दो तीन मिनट लेट है एक बच्चे ने लिख भी दिया सर आप दो मिनट लेट हो चलो भाई सवाल को पढ़िए और आंसर करिए एक प्रतिरोध जिसका मान तीन किलो ओम है वह जिसमें जीरो पॉइंट थ्री मिली एमपियर की धारा प्रभावित होती है तो इसके प्रतिरोध के चालकत्व की गणना कीजिए चालकता मतलब जी के मान की गणना करनी है तो जी बराबर में आई बटे वी यही तो रहेगा आई का मान कितना हो गया जीरो पॉइंट थ्री मिली यानी टेन की पावर माइनस तीन अरे यही तो है जीरो पॉइंट थ्री मिली एमपियर है और ये कितना दिया है मैं ओहो ये तो डायरेक्टली है हाँ हाँ ये तो कल कर भी लिया था फिर हमने अरे बाहर ये लड़ रहे बेचारे मेरा ध्यान यहाँ था फिर भी इसे याद रखो जी बराबर में आई अपॉन वी होता है या जी बराबर में रेसिपिकल ऑफ रेजिस्टेंस ये लिखते हैं और जी बराबर में हो जाएगा वन अपॉन थ्री यानी जीरो पॉइंट थ्री थ्री मिली मोल कहा गया ये हाँ यही तो मिल जाएगा मैं चलो जी ये भी हो गया था एक ने तुम में से दो गा के सोलह तक हुए थे अच्छा तो ये था फिर आंसर करिएगा ये भी नहीं बता रहे कि कहां तक हुए थे वैकेंसी कब तक आएगी बस आने वाली आज ही बात हुई मेरी आने वाली है आने बात हुई है देखो एक हजार वोल्ट और दो सौ वोल्ट वाले हीटर में एक ओम याद रखना एक ओम पर मीटर है तो आपको तार की लंबाई बतानी है आंसर करो तार की लंबाई बतानी है P बराबर में V स्क्वायर अपॉन में R तो आर बराबर में वी स्क्वायर बाई पी ये हो गया 250 सौ पचास गुणा दो बटे में हो गया 1000 इससे अगर हम कैंसिल करते हैं तो चार ये मिल जाएगा हमें कितना सिक्सटी टू पॉइंट फाइव ओम ठीक है भाई अब यार देखो एक मीटर का मतलब सीधे सीधे एक ओम है तो अगर हम 62.5 ओम के लिए देखें तो कितनी दूरी रखनी पड़ेगी अरे ये तो रखनी पड़ेगी भाई ये दे रहा है ना कि एक ओम पर मीटर यानी कि एक मीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस बना एक ओम तो बासठ दशमलव पांच ओम बनाने के लिए कितना लंबाई रखनी पड़ेगी बासठ दशमलव पांच मीटर अरे हो जाएगा जी चलिए नेक्स्ट बताइएगा पांच ओम के तार की प्रतिरोधकता ज्ञात करें जिसकी लंबाई पंद्रह मीटर और व्यास ये दिया है ये सेंटीमीटर है वो मीटर है हाँ तो निकालो मुझे क्या देख रहे हो यार ऐसा थोड़ा ही कि यहां बैठे तो अपना सॉल्यूशन मैं ही करूं पूरा की नहीं थी आपने ना भाई अच्छा जीरो पॉइंट वन फाइव अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलू तो टू मीटर यही तो है भाई डायमीटर है जी अच्छा बराबर में अपॉन स्क्वायर ये सूत्र नहीं पढ़ा है तुम्हें भाई यार अगर डायमीटर को मैं एरिया में बदलूंगा तब भी वही बात है मैं रेडिएशन में बदलूंगा तब भी यही बात है अरे पढ़ाए नहीं क्या जी तो अगर हम लोग रो निकाल रहे हैं तो आर गुणा पाइडी स्क्वायर अपॉन में फोर एल अब सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा भाई दसम लो वन फाइव का स्क्वायर गुणा टेन की पावर माइनस के फोर और चार गुणा पंद्रह बताओ आंसर भाई ये बहुत गलत बात है सॉल्यूशन तो बताओ हाँ भाई कुछ गड़बड़ है क्या सूत्र में तो फिर अच्छा हाँ ये हो सकता है तो दशमलव जीरो जीरो फाइव एट इन टेन की पावर माइनस के फोर और।, और भाई ये किस में मिलती है ये किस में आएगी ओम मीटर में आएगी नहीं? भाई सूत्र है ये तो और रो का मान चाहिए तो ये यहां भेज दिया ये नीचे भेज दिया मान लगा दिया चले आगे चलो जी अब वही तुम्हारे टेम्परेचर कॉफिशेंट वाले सवाल दस पूरा फॉर्मूला लिखिए मान लगाइए अति ना करोगे रेलगाड़ी नहीं छूट रही क्योंकि ये आदत तुम्हें ले बैठेगी मेरी बात मान लो फॉर्मूला लिखिए मान लगाए हल करें दस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक नाइक्रोम तार का प्रतिरोध दस ओम व तापमान गुणांक ये है तो बीस डिग्री पर तार का प्रतिरोध क्या होगा हाँ जी हमने पूरा लिखो जल्दबाजी कुछ नहीं सवाल पढ़ लो सूत्र लिख लो मान लगा लो आर टू बराबर में सूत्र क्या आप सिखाए भाई आर वन वन प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन आर वन की अगर बात कर ले दस है वन प्लस अल्फा वन दशमलव जीरो 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 वन फाइव गुणा टी टू माइनस टी सू कितना दस चलो जी कितना आ गया उत्तर तुम्हें बता दो ना मैं यकीन नहीं करता बढ़िया बात है तुमने कर लिया कभी गड़बड़ कर दो दस दशमलव जीरो वन फाइव यही आया था तब बढ़िया टेन की पावर माइनस सेवन हो गया अच्छे से पहले वाले का हो भाई अरे हो जाएगा भाई ये और मैं बता दूं ये टेम्परेचर कॉफिस्टेंट एक बार फिर याद दिला दो तुम्हें ये टेम्परेचर कॉफिशेंट पर आधारित जूनियर इंजीनियर 2018 में पंद्रह सवाल थे तो जो आ चुके ये आंधी की तरह टी जी में कभी भी छप सकते हैं और पंद्रह के पंद्रह के जवाब दे के आने बस इनमें कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं चलो जी फिर यह बताओ पांच मीटर लंबे तार में बार बार बंद क्यों हो जा रही है पांच एम्पीयर की धारा दो घंटे तक गुजरती है तो कुल प्रभावित हुई कुल आवेश की मात्रा Q बराबर में आई टी आई मान पांच है और ये दो है ठीक है जी घंटे ये हो गए और दो घंटे में कितने होंगे भाई छत्तीस सौ यही तो है घंटे में बदलोगे तो ये मिल जाएगा आपको जीरो 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 गुलाम कोई तकलीफ है दिक्कत है।, है अभी कुछ बोल रहे थे तुम जल्दी 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 अरे मैं बार बार बोल रहा हूं इतनी अति ना करो

अरे तो यार साठ गुना साठ तो एक घंटे में सेकंड है ना तो मुझे तो दो घंटे को सेकंड में लिखना है ना तो मैंने तभी तो ये दो लिखा अरे कोई दिक्कत है क्या अब जैसे तीन घंटे होता तो साठ गुना साठ छत्तीस सौ तो मेरी एक में सेकंड है ना दो में होता दो तीन होता तीन करता चार होता चार लिखता ठीक है ना भाई दोस्त हाँ जी एक तांबे के तार का प्रतिरोध 15 डिग्री सेल्सियस पर ओम है यदि 15 पर तापमान गुणांक ये है तो 45 पर प्रतिरोध क्या होगा है अभी करवाया है। सारे इसी पर रिपीट कर रखे मैंने लेकिन करो क्या लिखोगे आर टू बराबर आर वन वन प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन तो यहाँ कितना है सो वन प्लस अल्फा वन है दशमलव जीरो जीरो तीन पांच गुणा थर्टी है जी एक सो दस दशमलव पक्का बिना कैलकुलेट किए बताया और बिना सॉल्यूशन करे बताया तेरी कैलकुलेशन तेज है वेरी गुड अरे तो चचा ये यहाँ प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि इसे खुद से दोबारा से कैलकुलेशन करके लगाओ चलो जी ये है एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध जीरो पर बीस ओम है यदि तार का तापमान गुणांक ये है तो पच्चीस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो आर बराबर में आर टी बराबर में आर नोट कितना है अरे सूत्र यही तो है आर टी बराबर आर नोट वन प्लस अल्फा नोट और टी कर लेते हैं? ये है बीस वन प्लस दशमलव जीरो 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 पांच गुणा कितना हो गया कितना है बीस दशमलव बीस दशमलव दो पांच ओम चलो जी आसान है देखो सवाल में है एक तार का प्रतिरोध ओम है यदि तार को इसकी लंबाई के तीन गुणा तक स्ट्रेच खींचना खींचा गया है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा बिल्कुल वेरी गुड तो न्यू बराबर में एन शाबाश तो कितना हो गया नौ गुणा ठीक है जी हो गया अब देखो इसी में अब दो तीन चीजों को और अपनी रिवाइज रखो अगर हमें आयतन सेम हो भाई यही ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि जो आयतन बदलने वाले तो डायरेक्ट भी याद है आयतन समान होने में लंबाई के हिसाब से आर न्यू बराबर में एन स्क्वायर आर ओल्ड था और अगर क्षेत्रफल की बात होती तो आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे एन स्क्वायर करते हैं। अगर त्रिज्या व्यास की बात होती आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे एन की घात चार होता व्यास होता तब भी यही होता ना तो इनको और याद रखना है चलो जी पांच किलो ओम तथा प्लस माइनस पांच परसेंट टॉलरेंस के प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा वैसे ही उत्तर मत करो इसके लिए जरूरी है पूरी कलर कोड की टेबल को लिख लो पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा रिवाइज करना उद्देश्य है ना ना कि नंबर गिनने की इतने सवाल कर लिए घंटे में दस करो कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग कहेंगे देखिए बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर और नन तो पाँच परसेंट आती है गोल्ड में तो तो ये तो पक्का बात है कि भैया ये है गोल्ड ये जीरो होती है वन ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन यही तो है यही तो है दोस्त अभी अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूंगा तो मल्टीप्लायर में ये लिखने का तरीका सबको याद है अभी टॉलरेंस की बात करेंगे तो गोल्ड में पांच प्रतिशत सिल्वर में दस प्रतिशत तो और किसी कलर में नहीं तो बीस प्रतिशत तो इसमें कितना लिखते हैं हम हाँ और फिर ये व्हाइट वाले में टेन परसेंट इसमें कितना एक प्रतिशत फिर रेड में दो प्रतिशत इसमें तीन प्रतिशत इसको खाली छोड़ दो इसमें इसमें पॉइंट टू फाइव इसमें पॉइंट वन और इसमें ये अभी पांच किलो है कहालो नहीं रहता चार या पांच नहीं होता कहीं जगह पर चार लिखा है लेकिन ये बहुत मोस्ट एक्यूरेट कलर के कैटेगरी में आता है इसलिए हम छोड़ देते हैं इसको जिस दिन देगा आके ऊपर मुकदमा कर देना दे तो ये भी सकता है कि ओम ने ओम का नियम क्यों बनाया और तेरा नाम निखिल क्यों पड़ा दे देगा कुछ भी दे देगा क्या उठा के यार हद है। पांच किलो ओम है तो पांच दे को कहा मिलेगा ग्रीन अरे कम से कम चार बैंड दो ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें अभी एक तो आ गया तुम्हारा ये ग्रीन अब बोल भाई आगे क्या करूं करू जी है चार का तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा तुम्हें चलो पांच हजार यही तो है चलो ग्रीन चलो ब्लैक नहीं लिखते छोड़ देंगे फिर बताओ अच्छा चलो नहीं मैं जानना चाह रहा ना तुम्हारी रुको 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 अच्छा ब्राउन और रेड अब इसके इसे कोई बदलना चाह रहा है अच्छा चलो तुम बोलो ग्रीन ब्लैक रेड और गोल्ड और कोई इनके भी देख लो क्या क्या कर रहे हैं ये शुरू वो तो ब्लैक से कर रहा है शुरू अच्छा नीरज बना के भेज रहा है चित्र अच्छा नहीं जी ग्रीन ब्लैक अच्छा अब भाई तुम्हारे वाला चेक कर लेते हैं देखो ना दिल किसी का तोड़ते नहीं भाई चेक कर लेते हैं हुँ। हुँ। क्या हो जाएगा अच्छा चलो जी ग्रीन ऑरेंज फिर गोल्ड चलो ये भी बना लो तुने किताब से हल नहीं किया था ये किताब से हल नहीं किया था ये सवाल अभी चल यार इससे करके देखते हैं भाई ग्रीन का मतलब क्या था आ, ब्राउन भी डिजिट है आप भूल गए इकाई दाही मल्टीप्लायर देन टॉलरेंस तीन बैंड का तो बनाते ही नहीं ना यार ठीक है दोस्त तो ऑरेंज रखेगा तो तीन का कहां से लाए फिर तो अगर मैं ब्राउन को डिजिट मानूंगा तो मैं वन रखूंगा करना पड़ेगा ना यार देख फिर मैं गुणा करता हूं दस की घात दो करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं हम चला तो लेंगे है जी लेकिन जब ये कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है बनाने का तो फिर यहां से भी देख लो ना हाँ ये हमेशा याद रखिए कि, कि किसी भी कलर कोडिंग की शुरुआत हम ब्लैक से नहीं करते ऐसा सिंपल कारण ये है कि अगर किसी की कलर कोडिंग की शुरुआत ब्लैक से हो गई तो शुरुआत जीरो से अब मान लिया मैं जीरो पांच सौ लिखू तो इस जीरो का मतलब है क्या तो शुरुआत हमें ब्लैक से करनी भी नहीं देखो ये बच्चे ने फिर पकड़ ली ग्रीन ब्राउन रेड और गोल्ड वो वाली अभी ग्रीन पांच डिजिट है ना ये तो मल्टीप्लायर थोड़ा ना क्या अभी बता दो तो रहा हूं मैंने क्या कहा कि शुरुआत हम लोग ब्लैक से क्यों करें जब हमें जीरो ही लिखना है मतलब जबरदस्ती क्यों करें वहां अभी गुणा करनी है टेन की पावर टू से और प्लस माइनस है ये तो ये ये मिलने गया क्या तुम्हें तो इतना परेशान होने की जरूरत क्या है भाई फिर ये देखो ये फिर वही ग्रीन ब्राउन हाँ उसके बाद मल्टीप्लायर फिर टॉलरेंस अच्छा ये बता दो जल्दी से आसान है डेढ़ सौ डिग्री पर टंगस्टन तार का प्रतिरोध दे दिया डेढ़ सौ डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफी दे दिया पांच सौ डिग्री सेल्सियस पर बताना है चलो वही दोबारा से फॉर्मूला है आर टू आर वन वन प्लस अल्फा वन और टी टू माइनस टी वन तो आर वन कितना है वन प्लस अल्फा वन कितना है भाई ये दस हम लोग जीरो जीरो फोर फाइव गुणा कितना है जी साढ़े तीन सौ पांच सौ में से डेढ़ सौ घटाना भी तो है चलो भाई गणित तेज है ना उत्तर बता तीन सौ बयालीस दशमलव चार सात पांच ये आ रहा है भाई इसने कर लिया देखो बच्चों ने ना बहुत बढ़िया कुछ तो बिल्कुल धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं चले भाई कर लोगे अरे नहीं होगा क्या चलो हाँ जी अरे बीस पर पचास है पचास पर पूछा है तो आर टू बराबर आर वन सीधे लगा दें अब चलो भाई उत्तर बताओ कितना आएगा दस दसमलव पचास दशमलव तीन यानी तो ये आ रहा है देखो अब तूने बेच दिख रहा दी यूट्यूब पे एक दूसरा भी तो लिख रहा है ये पचास दशमलव तीस अच्छा नहीं है भाई एक कुंडली का प्रतिरोध 20 डिग्री पर 60 ओम है और 40 पर 70 ओम है है जी तो जीरो डिग्री पर तापमान गुणांक कितना होगा आंसर करो यार कहा गया स्लो वाला करना यार चलो हमने कहा यार हम तो नहीं करते स्लो ब्लॉक से हमारे पास विधि है हमारी है ना तो ऐसा कर लेते ना 20 पर अल्फा 20 निकाल लेते फटाक से जीरो पे तो आ ही है दोनों तरीके से करवाता हूं देखे कितना एक सौ चालीस नहीं अल्फा अल्फा कैसे एक सौ चालीस आएगा यार वन अपॉन कुछ में आएगा हाँ भाई तो हमने पहले क्या सीखा है देखो फटाफट से सत्तर बटे साठ करो तो सात बटे छ अगर करें तो ये मिलता है वन पॉइंट वन सिक्स इसमें से एक घटाओ तो पॉइंट वन सिक्स ये हमारा अपना शुद्ध मेथड भाई पॉइंट वन में अल्फा वन प्लस तापमान कितना था टी टू का मान कितना है यहाँ चालीस है ना और टी वन का मान कितना है? 20 है अल्फा वन का सीधे सीधे मतलब हमारा अल्फा ट्वेंटी है चलो यार अगर इसे हम सॉल्यूशन करें चालीस बराबर में पॉइंट वन सिक्स प्लस में ट्वेंटी अल्फा ट्वेंटी बोन में अल्फा ट्वेंटी तो ये मिल जाएगा मुझे चालीस अच्छा इसे मैं चालीस यहां करूंगा बीस इधर से आ जाएगा तो ये ट्वेंटी अल्फा ट्वेंटी मिल जाएगा और पॉइंट में वन सिक्स तो अल्फा ट्वेंटी पॉइंट वन सिक्स बटे में बीस यही तो हो गया तो सोलह बटे दो हजार हो गया यानी आठ बटे में कितना हो गया जी एक हजार हो गया चार बटे कितना हो गया 500 सौ यानी कि दो बटे एक सौ पच्चीस हो गया ना तो सीधे हो गया जी यार दोस्तों अगर ये एक अल्फा ट्वेंटी ए है तो जल्दी से बताना अल्फा नोट कितना है एक बटे एक सौ पच्चीस माइनस के बीस कितना है एक बटे एक सौ पांच पर डिग्री सेंटीग्रेड अभी दूसरे भी तरीके से देखते हैं क्या पता कुछ है कितना हम्म एक बटे कितना सही है। अरे ये रुक जाओ इसे भी बताएंगे चिंता क्यों कर रहे हैं कोई जल्दी थोड़ा ही अभी तो नेक्स्ट क्लास आठ बजे सुन लो अरे फिर बताएंगे तीन बार पूछ रुक तो जा थोड़ा सा पहले दूसरा एक और तरीका था देखो आर टू बटे आर वन बराबर में वन प्लस अल्फा नोट टी टू बटे वन प्लस अल्फा नोट टी वन आर टू बटे आर वन हमें मिल रहा है वन पॉइंट वन सिक्स वन प्लस टी टू का मान कितना है यार चालीस चालीस अल्फा नोट वन प्लस में बीस अल्फा नोट वन पॉइंट वन सिक्स प्लस में वन पॉइंट वन सिक्स गुणा बीस ये हो गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू अल्फा नॉट बराबर में वन प्लस फोर्टी अल्फा नॉट तो ये मिल गया हमें सोलह दशमलव आठ अल्फा नॉट और ये मिल गया हमें पॉइंट वन सिक्स अल्फा का मतलब हुआ और देख लेते हैं भाई जीरो जीरो नाइन फाइव टू कुछ ऐसा आता है ये तो आ? आ? कहा

आ, अरे तो यहाँ थोड़ा माइनस करेंगे यहाँ देखो ना बात यहाँ समझिए तो तो वो सत्तर बटे है तो उसमें वो बटे ही है, उसमें छोड़ से माइनस वन कर उन, तो, ये, तो आ ये आ गया ना कर देखिए तो सात बटे छाइनस वन

देखो पॉइंट क्या है शुरुआत जो यहां से करनी है ना फॉर्मूला ये हमारा शॉर्टकट है यहां जो ऊपर हम रखते हैं फाइनल वैल्यू क्या है सत्तर डिवाइड बाई क्या करेंगे साठ कितना आएगा वन पॉइंट वन सिक्स ये सात बटे छ अगर तुम यहां करोगे माइनस वन है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एक बटा छ नहीं अब देखो अगर मैं एक बटा छ रखूंगा ना तो मुझे जब मैं लूंगा तो मुझे ये यहां भी ले जाना पड़ेगा और यहाँ भी रखना पड़ेगा, पड़ेगा। अगर तो मैं नहीं रख के देखो ना अरे गलत हो ही नहीं सकता रख के देख लो तब भी यही आएगा सॉल्यूशन करके अरे एक बटे छे को सॉल्यूशन करके ऐसा कैसे हो सकता है ये ना ठीक है लेकिन हम एक ही करें। अब एक ये बताओगे हमें अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर मुझे एक बटा एक सौ बीस ये मिले मैं लगभग क्यों चलू जब मुझे एक मान मिल रहा है दूसरी बात देखो कहां गलती होगी आप अगर इसको दशमलव वन सिक्स या एक बटा रखो मैं समझ गया जो आप बोल रहे तो सौ बीस अगर तो एक बटा एक सौ बीस तो में से बीस अगर कम करूंगा तो मुझे एक बटा सो मिलेगा सो का मतलब होता है हमारा दशमलव जीरो जीरो वन मतलब ये नंबर आ जाएगा मेरे पास में टेम्परेचर कॉफिस में हाँ टेम्परेचर कॉफिशेंट में मेरा जो वेरिएशन मुझे मिलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वन अपॉन का जो नंबर आपने बताया 120 125 बीस एक सौ में बहुत मान रखता है तो 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 अच्छा घर जाके आप चेक करना कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं दोनों एक ही तो चीज है आपने नीचे तो नंबर रख लिया आप उसे एलसीएम लेके ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करो एक बटा एक सौ पच्चीस ही आएगा कैसे भी कर लो करो भी गुण। 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 तो यहाँ क्यों लिखा है तो यहाँ करेगा ना इसकी यहाँ करेगा तो छः है प्लस में चलो, मैंने चार। अच्छा और सात प्लस में क्या है एक सौ चालीस तो क्या हुआ फिर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है

वही तो लिखोगे आप और अल्फा ट्वेंटी को अगर मैं लेके जाऊंगा तो मेरा यहाँ आ जाएगा मतलब इसका जो नंबर है ना ये मतलब अल्फा ट्वेंटी है एक बटे छ आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो आप लिख रहे हो एक बटे छ बटे अल्फा ट्वेंटी इसी को यहाँ वन माना जाता है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है इसकी मल्टीप्लाई ये होती है तो एक बटे सिक्स अल्फा ट्वेंटी है ठीक है ठीक है तो अब आप जो करेंगे इसे सॉल्यूशन आपका नंबर आया चालीस और एक बटे अल्फा ट्वेंटी प्लस में ट्वेंटी इसको चलिए मैं इधर ले आऊँ तो हम तो डायरेक्ट तो ले जा सकते हैं सर उसे कोई दिक्कत हाँ तो ये बीस हो गया हमारा और वन अपॉन में हो गया हमारा सिक्स अल्फा ट्वेंटी तो अल्फा ट्वेंटी बराबर में

कि हम लोग लिखते हैं टी टू बराबर में जो फाइनल रिजल्ट है जैसे सत्तर तो सत्तर बटे में साठ और इसमें से करना है हमें ये कैंसिल करके सात बटे छ इसमें से करना है हमें एक माइनस तो जैसे हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर वन पॉइंट अप्रोक्सीमेट क्या है वन पॉइंट सिक्स सिक्स ही आगे तक जाता है हमने सिर्फ दो डिजिट लेकर ये सॉल्यूशन किया है अगर इसे हम लोग जैसे तीन डिजिट तक लेकर सॉल्यूशन करते हैं जैसे 166 ये जाता तो ये वैल्यू को सॉल्व करके ये मिल जाता हमें तीन डिजिट तक एक बटे में 120। सौ यहाँ भी हमने जो सॉल्यूशन किया है वो सिर्फ हमने दो डिजिट तक किया है अगर हम तीन डिजिट तक इस सॉल्यूशन को करते हैं तो यहां भी हमें सॉल्यूशन करके मिलता ये एक में से जब माइनस के करते दस तो ये मिलता हमें हंड्रेड ये भी तीन डिजिट तक अगर सॉल्यूशन करेंगे तो तब मिलेगा हमें एक बटा हंड्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है जी अब हमने पहले दो डिजिट से किया था अब हमें तीन डिजिट से करना पड़ा है तो तीन डिजिट तक कर भी लो कोई दिक्कत नहीं है मैंने यहाँ दो डिजिट वन सिक्स लिख दिया तो एक्चुअली मुझे ये लिखना था वन पॉइंट सिक्स अच्छा ये तो यही था चलो जी तो इसे दोबारा से बताते हैं पूरे को थोड़ी ज्यादा खिचड़ी पक गई ना इसमें इसको हम दोबारा से समझाते हैं फिर यही था ना तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है देखो जी टी टू बराबर में एक डायरेक्ट मेथड होता है टी टू बराबर में जो भी ये फाइनल रिजल्ट होता है जैसे ये सत्तर है और पहले जो रिजल्ट है हमारा सिक्सटी इसको डिवाइड करिए तो ये डिवाइड करके आ जाएगा हमें वन पॉइंट वन सिक्स सिक्स जो भी फाइनल रिजल्ट है उसे पहले वाले से डिवाइड करिए 1.66 ये मिल जाएगा इसमें से एक को घटा दीजिए जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को यहाँ डायरेक्टली रखते हैं पॉइंट वन सिक्स सिक्स कम टेम्परेचर पर जो भी तापमान गुणांक है ये होता है और इसमें सीधे सीधे से हम लोग ये ऐड कर देते हैं ये हमारा टी टू निकालने का एक तरीका हुआ करता था हमें यहां पर इस सवाल में टी टू दे दिया है चालीस तो 40 बराबर में दसमलो एक सिक्स सिक्स अल्फा ट्वेंटी प्लस में ट्वेंटी तो यहाँ से अल्फा ट्वेंटी को जब हम सॉल्यूशन करेंगे एक बटे एक सौ बीस पर डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं कैलकुलेटर से जैसे कर रहा हूँ तो नॉर्मली मुझे ये मिला अगर मुझे ये मिल जाता है तो अल्फ़ा जीरो बराबर में एक बटा एक सौ बीस माइनस के ट्वेंटी ये मिल गया मुझे एक बटा हंड्रेड पर डिग्री Centigrade. ये कोई किताब वाला नहीं है अपना एक छोटा सा शॉर्टकट बना रखा है ये काम करेगा कई जगह काम आएगा दूसरा एक तरीका हमारे पास ये भी है वन प्लस अल्फा टी टू वन प्लस अल्फा नॉट नॉट तो बते सत्तर बटे साठ करके वन प्लस अल्फा नॉट ये कितने पर है चालीस पर वन प्लस अल्फा नॉट ये कितने पर है बीस पर यहां पर भी हमें एक बटा हंड्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा ठीक है जी तो दोनों सही मेथड है ये हमें जो जैसे कहता है ना कि जीरो से दस गुना ज्यादा कोई प्रतिरोध हो जाए कितने तापमान पर होगा तो ये मेथड हम लोगों को बिना कलम चलाए सॉल्यूशन दे देता है ये वाला मेथड हम लोगों को बिना पेन चलाए आंसर दे देता है चलो जी नेक्स्ट वाला है आंसर करिए इसी पर आधारित है जो भी करवाया जल्दी से आंसर करो अरे तीन डिजिट तक ये सॉल्यूशन करना यार एक तार का प्रतिरोध तो जीरो डिग्री में पंद्रह ओम है वह पचास पर पैंतालीस ओम हो जाता है तो शिन्ने डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करे हुँ? हा, हा, हा। तापमान अंतर देखे कितना है अरे पचास है ना पचास बराबर में फाइनल वैल्यू क्या थी पहले क्या थी तीन है अल्फा नोट क्यों टेंशन लेनी तीन बटे पचास इसका पर डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर है और क्या करना है ओ सॉरी दो बटे तीन आएगा ना इसे डिवाइड करके तो तीन में से एक माइनस करेंगे दो बटे पचास यानी एक बटे पच्चीस पर डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है हाँ थर्डी वाला भी लगाओ क्या दिक्कत है अब इसी को सॉल्यूशन करके लगा लो अब मैंने एक बटा पच्चीस है दस हम लोग चार जो रखना चार रख लो उसमें क्या और दूसरा ये भी तो है भाई ये भी लगा सकते हो कि आर टी बराबर में आर नॉट वन प्लस अल्फा नोट इसमें मान लगाओ अरे ये कुछ अलग थोड़ा ही क्या यार कितना था यार पचास था जीरो था तो वही था पुराने को पैंतालीस बटे कितना पंद्रह कितना आ गया तीन में से घटाते हैं तो ऊपर रख दिया नीचे कितना था अल्फा नोट था ये रख दिया एक बटा पच्चीस आ गया आंसर और क्या इसमें रखोगे तब भी आएगा चलो जी पैंतालीस पर तापमान गुणांक याद कीजिए यदि जीरो डिग्री पर प्रतिरोध ताप गुणांक दशमलव जीरो जीरो सिक्स फाइव दिया है तो टेम्परेचर कॉफी सैन टेम्परेचर पर निर्भर करेगा सूत्र क्या अल्फा टी यार अगर ये एक बटे की फॉर्म में होता तो तब तो और जल्दी हो जाता ना तब तो और जल्दी हो जाता लेकिन नहीं दिया तो चलो ठीक है अल्फा नॉट वन अल्फा नॉट टी दसमलव जीरो जीरो सिक्स फाइव

हो जाएगा भाई एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध जीरो डिग्री पर ओम है यदि तार का तापमान गुणांक दशमलव जीरो जीरो वन फाइव प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बीस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए ट्वेंटी टेन वन प्लस दसमलो जीरो जीरो वन फाइव गुणा बीस है जी टेन पॉइंट ना भाई कैलकुलेट करके बताऊं हाँ वेरी गुड ठीक है हो जाएगा तो आज ये सारे निपटा लो टेम्परेचर कॉफिशेंट वाले एक ताम्र कुंडली का प्रतिरोध पंद्रह पर पचास है और सौ पर सौ ओम है तो जीरो पर तापमान गुणांक कितना होगा दोनों तरीके अवेलेबल है यार हमारे पास में एट्टी फाइव एक बटे अल्फा पंद्रह और कितने पूछ रहा है ये जीरो पर अल्फा जीरो तो ये हो जाएगा सत्तर देखो मैंने ये अपने तरीके से करने की कोशिश की तुम्हें भी समझाऊंगा पहले मैच कराओ अपने दूसरे मैथड से यही आएगा क्या मतलब कि उस वाले से जो आर टू बटे आर वन वन प्लस अल्फा नॉट टी टू बटे वन प्लस अल्फा नॉट टी वन से मैच कराओ पहले फिर बताना अब देखो यार फॉर्मूला रखना वैल्यू लगाना तो हमने ट्राई करी है कि बिना ये सब के हम आंसर निकाल लें और खासकर इसमें वैल्यू इजी है देखो हमने यही तो सीखा भी इधर मैं सो so लिखता इधर मुझे प्लस पंद्रह लिखता है इधर लाता तो सो में से पंद्रह जाके तो मेरा एट्टी फाइव भी आता ना बराबर में इस सौ को पचास से अगर मैं डिवाइड कर दिया तो कितना आता दो इसमें से मुझे घटाना था तो एक बटे में किस पर है पंद्रह पर मुझे टेम्परेचर कॉफिशेंट मिल जाता अगर मुझे पंद्रह पर मिल गया तो क्या मैं जीरो पे नहीं निकाल सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा ना सीधे सीधे अरे वही यार जो पढ़ा रखा तुम्हें T2 टी टू बराबर वाला ही है तो इससे जल्दी हो जाएगा यार और भी हो जाएगा चलो यहां से आगे फिर कल करवाता हूं तुम्हें सर आप शॉर्ट कर दे रहे हैं तो तभी तो हम हम है भाई हाँ चलो जी धन्यवाद